हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ताल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, एक बहुत छोटी सी कंपनी, अगर आप देखोगे तो इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसलिए ये न्यूज़ में है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के बारे में, अगर आप उसको देख रहे हो कि कंपनी करती क्या है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है उस कंपनी की। तो बात करते हैं ताल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की। ताल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की अगर आप देखो तो एक प्रीमियम एयर चार्टर सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब आपको जो चार्टर प्लेन्स होते हैं उनमें सर्विस प्रोवाइड करती है, इधर से उधर जाने के लिए जो भी है, उस तरीके का इसका मेजरली काम है। तो देखिए, मेजरली अगर देखें तो ताल एंटरप्राइजेस लिमिटेड BSE में लिस्टेड है। 299 का शेयर प्राइस इसका चल रहा है अभी, 8 रुपये के जंप के साथ 2.89% का जंप देखा गया था इसके शेयर प्राइस में। 52 वीक लो देखोगे तो 131 का और 52 वीक हाई 335 के अराउंड रहा है। अब न्यूज़ है डिविडेंड की। डिविडेंड डिक्लेयर किया इसने, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपये का। तो स्टॉक प्राइस 300 रुपये का, डिविडेंड 10 रुपये का। अब देखिए, डिविडेंड तो बहुत बढ़िया डिक्लेयर किया, तो अब देखते हैं किस तरीके से इसने कब की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की। ये देखिए, अक्टूबर 9 की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की, बहुत बढ़िया भाई। और विल बी अक्टूबर 9 की रिकॉर्ड डेट है, और अगर इसकी जो एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपको ये बाई करना पड़ेगा डिविडेंड के लिए, तो बहुत बढ़िया। द इंटरिम डिविडेंड विल बी पेड टू एंड डिस्पैच टू द शेयर होल्डर, मतलब 26 अक्टूबर से पहले आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हो तो। तो ये दोनों इसने इन्फॉर्मेशन अपनी डेट शेयर करी है कि कब कब डिविडेंड मिलेगा, कितना डिविडेंड है, ये सारे रिकॉर्ड डेट कब है, ये डेट शेयर करी है ताल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ताल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन 93 करोड़, स्मॉल कैप की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 4.373 का है, प्राइस टू अर्निंग जो है वो 63 का है, और बुक वैल्यू देखिए 120 के अराउंड की है। अगर आप देखो इसका रिजल्ट किस तरीके के रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। रिजल्ट देखिए, 2.09 करोड़ की सेल थी जून क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर में 1.73 करोड़ की, उससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 2.09 करोड़ की सेल थी। इस तरीके की इसकी अब तक की सेल्स फिगर है। एक मतलब एक बहुत छोटी सी कंपनी है, आप इसको मान के चलिए। प्रॉफिट देखिए, कभी अभी एक बार तो 2 करोड़ का प्रॉफिट शो कर लिया था, अभी 10 लाख का प्रॉफिट शो किया, कभी लॉस शो किया, तो कोई कंसिस्टेंट डेटा नहीं इसका है इस तरीके से। टोटल डेट देखिए, 88 लाख का डेट दिखा रहा है और 8 से 9 करोड़ के टोटल एसेट्स शो कर रहा है। और अगर आप डिविडेंड, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी 25 सेप्टेम्बर को ही अनाउंस किया गया था, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी जैसे आ चुकी है। रिकॉर्ड डेट अभी जो मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड डेट 9 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट रखी गई है डिविडेंड का, और 26 अक्टूबर तक आपको डिविडेंड मिल जाएगा कंपनी का। चलिए एक नज़र ग्राफ पर डालते हैं तो किस तरीके से ग्राफ है। पिछले एक साल का ग्राफ आप देखो तो 142 से ऐसे ऊपर आता रहा और नॉर्मल कंसिस्टेंट था, फिर एकदम ऊपर चले गया, इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ग्राफ। टेक्निकली अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त गैप अप पैटर्न देखा गया था। ये देखिए बहुत गैप अप, मतलब कि डेली अपर सर्किट जैसे लगे थे। पहले ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 146 पे, अपर सर्किट लगा 173 गया, फिर लगातार अपर सर्किट लगे और 200-291 तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। इस तरीके से ट्रेडिंग है, एक मतलब कोई जेन्युइन इस तरीके का ये नहीं है कि भैया बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। कभी अपर सर्किट लग रहे हैं, कभी लोअर सर्किट लग रहे हैं, इस तरीके का ये स्टॉक है। देखिए डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर किया, जस्ट आप ये देखिए, प्रमोटर्स 51% की होल्डिंग के साथ है, नॉन इंस्टीट्यूशन 48.92% की होल्डिंग के साथ है, जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 38.5% की होल्डिंग बना रखी है, और जो प्रमोटर हैं हाईएस्ट होल्डिंग के साथ वो हैं विश्कुल लेदर गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर हैं मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, और FII, एक ही FII ने इसमें होल्डिंग बना रखी है अब तक। तो देखिए ताल इंटरप्राइजेस लिमिटेड कोई खास इतनी ज़बरदस्त कंपनी तो दिख नहीं रही है जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करी जाए या देखा जाए कुछ, बट ये है कि हाँ डिविडेंड इसने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और वो भी साथ के साथ रिकॉर्ड डेट भी दे दी है, इंटरिम डिविडेंड है और पहला डिविडेंड है कंपनी का, और डिविडेंड की पे आउट डेट भी दे दी है कि अक्टूबर 26 से पहले आपके पास डिविडेंड भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आप इसको देखिए स्टॉक को कि कितना उछाल आता है इसके प्राइसेस में, एनालाइज जरूर कीजिए अपने एंड पे कि कितना उछाल आता है प्राइसेस पे डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद और डिविडेंड की डेट्स आने के बाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।